डोंबिवली में रहने वाले राहुल विटकर अपने बच्चे के ऑपरेशन के लिए वाडिया हॉस्पिटल पहुंचे, जहां ऑपरेशन के बाद 2,60,000 का बिल डॉक्टरों द्वारा राहुल को थमा दिया गया। जैसे तैसे 2 लाख रुपए राहुल और उसकी पत्नी ने हॉस्पिटल में जमा करवाए और माता पिता के हाथ में सौंप दिया, जिसके बाद अस्पताल से लगातार राहुल विटकर को धमकियां आ रही है। लेकिन अस्पताल ने 60,000 नहीं भरने पर 4 साल के मासूम को अस्पताल में ही रख लिया। माता पिता को पैसे लाने के लिए कहा गया। हर जगह धक्के खाते हुए राहुल टाइगर ग्रुप के उपाध्यक्ष सूरज सोनावले के पास पहुंचे, जहां सूरज सोनावले ने इनकी हर मुमकिन मदद करते हुए डॉक्टरों से मिलकर बच्चे को अस्पताल से निकलवाया। गए 10 दिन पहले राहुल विटकर नाम के इस व्यक्ति ने मेरी ऑफिस में आके मुझे एक लेटर दिया और उसका जो भी पार्श्वभूमि है वो बताया कि उसका 4 साल का बच्चा जो कि वाडिया हॉस्पिटल में एडमिट है, और वाडिया हॉस्पिटल में जब उसने एडमिट किया था तब उसने उसे कमिट किया गया था, उसे कुछ 3 लाख रुपए का कोटेशन दिया गया था। वो कोटेशन को लेके उसने तब कहा था कि डॉक्टर मेरे से इतना पैसा होगा नहीं। ये कहने के बाद वहाँ के डॉक्टर्स ने उनको आश्वासन दिया था कि यहाँ की जो वाडिया की जो ट्रस्ट है वो उन्हें हेल्प करेगी। इस बात पे वो एग्री होके कुछ पैसे जुटा पाया, समथिंग 2 लाख रुपए उसने जुटाए, और कुछ 60,000 का कुछ मामला था जिस कारण ऑपरेशन होने के बाद गए 10 दिन हो चुके हैं उसे डिस्चार्ज नहीं दे रही बच्चे को। पर गए 10 दिन से उन्होंने कहा कि मैं अनेक सोशल लोगों के पास, अनेक पॉलिटिकल पार्टी के पास जाके आया हूँ, अनेक ट्रस्ट का दरवाजा उसने खटखटाया है, पर कहीं से उसे सहायता नहीं मिली। मैंने उनसे ये भी कहा तुम्हारे पास रेशन कार्ड होगा तो राजीव गांधी योजना में से कुछ किया जा सकता है। तो उसकी स्टोरी ऐसी थी कि गए साल भर से वो मुंबई शहर में काम के सिलसिले में रोजनदारी के ऊपर प्लम्बिंग का काम कर रहा है, और घर से उसके रेशन कार्ड में से कुछ उनके मन मुटाव है और घर में से उसके रेशन कार्ड में से नाम निकाल दिया है। तो ऐसी हालात में उसके पास रेशन कार्ड भी नहीं है और विदाउट एनी डॉक्यूमेंट्स कोई ट्रस्ट उसे हेल्प नहीं कर रही है, तो ऐसे हालात में वो कहाँ पे जाए। तो फाइनली टाइगर ग्रुप के बारे में उसने सुना था और यहाँ पे ऑफिस में आने के बाद एक मैं वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं था, 2 घंटे बाद जब मैं आया तो उन्होंने मुझे स्टोरी बताई कि ऐसा ऐसा है और सर हमें मेरे बच्चों को डॉक्टर डिस्चार्ज नहीं दे रहे, एक प्रकार से उसे डिपॉजिट करके रखा है बच्चे को, इस तरह से डॉक्टरों का बिहेवियर था। उसके बाद कल परसों की बात है कि उनकी वाइफ मेरे पास आके बहुत रो रही थी कि अगर मेरे बच्चे को अगर डिस्चार्ज नहीं दिया तो हम दोनों दाम्पत्यों को आत्महत्या करने के लिए शिवाय पर्याय नहीं है। तो ऐसे हालातों में मैं उनके साथ कल गया। कल मैं वाडिया हॉस्पिटल जाने के बाद मैं मेरी टाइगर ग्रुप की टीम हम वाडिया हॉस्पिटल में गए, वहाँ पे कोई डॉक्टर को डॉक्टर अवेलेबल है इसकी पूछताछ की। एक दो डॉक्टर आए और मैंने इनसे कहा कि एक काम करो तुम्हारे बच्चे को ले लो, जो कि बच्चा कॉट पे नहीं है, वहाँ पे 8-10 दिन से वही हॉस्पिटल में घूम रहा है। उस बच्चे को उसकी माँ बाप को बोले ले लो साथ में, उनको साथ में लिया मैंने, उनको लेके उनके डॉक्टरों को लेके उनकी सिक्योरिटी को लेके अपोजिट साइड में वाड़िया का एक दूसरा हॉस्पिटल है जहाँ पे मैनेजमेंट बैठती है, वहाँ पे जाके उनको उनके सामने खड़ा किया कि ये बच्चा है, 2 लाख रुपए तक वो जो भी है उसका खर्चा कर पाया है, उसके आगे उसकी कैपेसिटी नहीं है। ऐसे नहीं कि उसका उसने प्रामाणिक प्रयत्न नहीं किया आपका पैसा देने के लिए, बहुत सी एनजीओ में जाके आ चुका है। मैं आपसे दरखास्त करता हूँ कि उसे जो बचा कुचा जो बिल है वो माफ़ कर दिया जाए। गए 1/2 घंटे बात करने के बावजूद मुझे वहाँ पे कुछ रिजल्ट नहीं मिला। फाइनली मेरे उनको बोला कि तुम्हारे बच्चे को लो और निकलो यहाँ से। तो इस तरह से उनके बच्चे को छुड़ाने का प्रामाणिक प्रयत्न हम लोगों ने किया है, क्योंकि एक महीना हो गया मेरा लड़का वाडिया हॉस्पिटल में एडमिट था, तो मेरे को डॉक्टर लोगों ने ऑपरेशन के लिए 3 लाख रुपया भरने के लिए बोला था। तो मैंने डॉक्टर से कहा कि मेरा इतना कैपेसिटी नहीं है कि मैं 3 लाख कहाँ से जमा कर सकूँ। तो डॉक्टर लोगों ने मेरे को सलाह दिया
कि आप हमारा वाड़िया हॉस्पिटल का ट्रस्ट है, हमारा वाड़िया हॉस्पिटल का ट्रस्ट आपको हेल्प करेगा। तो मैंने कहा ठीक है, हेल्प करेगा तो ठीक है। तो 6-7 दिन के बाद आईसीयू में मेरा लड़का था, तभी उन्होंने फिर मेरे को टॉर्चर किया कि आपके पास पैसा नहीं है तो भी आप किधर से तो पैसा का इंतज़ाम करो। तो भी मैंने उनको कहा कि मेरे पास पैसा नहीं है, जितना होता है मैं उतना करता हूँ। तो भी मैंने लगभग 2 लाख रुपया जमा करके मेरे बच्चे का स्टेटमेंट आईसीयू में किया। फिर उधर से उन्होंने एक वार्ड में मेरे को शिफ्ट करके, उधर मेरे को डिस्चार्ज मेरे को 10 दिन पहले ही मिला था। तो डिस्चार्ज का बिल था 60,000 रुपया, तो भरने के लिए मेरे पास 1 रुपया नहीं है। तो फिर मैंने 8-10 दिन हो गया, मैंने इधर उधर बहुत जगह पे गया, बहुत जनों का दरवाज़ा खटखटाया, 1 रुपया भी मेरे को मदद नहीं हुआ। तो मैंने फिर, मेरा एक दोस्त ने कहा कि या तुम टाइगर ग्रुप से संपर्क करो और लोग तुमको कुछ मदद करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने अनिकेत भाव घुले इनको कॉल किया, तो अनिकेत भाव घुले इन्होंने मेरे को सूर्य दादा के पास भेजा। तो सूर्य दादा के पास आने के बाद तो सूर्य दादा ने मेरे को कहा ठीक है, एक लेटर लिख के दो, मैं करता हूँ कुछ, मेरे से होता है उतना करूँगा मैं। तो मैंने फिर दो दिन पहले मेरी वाइफ सूर्य दादा के पास आके दादा से रिक्वेस्ट किया कि दादा हमारे बच्चे को हमको छुड़वाना है, कुछ भी करके हमारी मदद करो। तो फिर दादा बोले ठीक है, मैं आके उधर बात करता हूँ। और एक बात ऐसी है कि अगर हमारी अगर कुछ मदद नहीं होती तो हम लोग, हमारे मेरे और मेरे बीवी को आत्महत्या करने सिवाय कोई पर्याय नहीं था। और फिर सूरज दादा हॉस्पिटल में आए, हमारे बच्चे को और मेरे को, मेरे वाइफ को लेके डॉक्टर से बात करके हमको छुड़ाया उधर से, हॉस्पिटल से। धन्यवाद सूर्य दादा, बहुत बहुत धन्यवाद। और टाइगर ग्रुप महाराष्ट्र राज्य ने मेरे को बहुत हेल्प किया है। तो मैं सच में कहना चाहता हूँ कि टाइगर ग्रुप महाराष्ट्र राज्य ये बहुत बड़ी हेल्प किया, इन्होंने दादा और दादा की टीम, अनिकेत भाव घुले, जालिंदर भाव जादव, इन्होंने मेरे को बहुत बड़ा हेल्प किया है। तो इसके आगे मैं कुछ बोल नहीं सकता, बस इस वाक्यों को लेके मैं ये बताना चाहूँगा कि प्रशासन जिस एक तरफ अनेक योजनाएं लेके आ रही है, अनेक तरह से इस तरह के मरीजों को अनेक योजनाएं बनाती है कि उनका उपचार हो जाए, और वाड़िया जैसा सेमी गवर्नमेंट हॉस्पिटल, अगर कोई बड़ा युवक होता तो भी बात अलग थी, 4 साल के बच्चे को एक तरह के से दामून ठेवता है, मतलब उसके रोक के रखती है। अगर उस पेरेंट्स की अगर पैसे भरने की ताकत नहीं होगी तो इस ऐसे लोगों ने कहा क्या करना चाहिए। मैं टाइगर ग्रुप की तरफ से वाड़िया हॉस्पिटल के साथ अनेक इस तरह के जो हॉस्पिटल से उसको आह्वान करना चाहूंगा, अगर इस तरह का कोई भी मैटर विषय हम लोग के पास आया तो टाइगर ग्रुप उनके पीछे गंभीर पने खड़ा हो जाएगा। और हॉस्पिटल से ही नहीं तो अनेक दूसरे कोई क्षेत्रों में अगर गलत चीजें होती है तो टाइगर ग्रुप एग्रेसिवली उसके पीछे खड़ा होगा, इसकी लोगों ने दक्षता ली जाए। या विषया सारखे जो विषय आहे, 4 वर्षाचा मुलगा मुलाला वाडियासारखं हॉस्पिटल दामवून ठेवत आहेत, म्हणजे जर तुमच्याकडे जर त्या पालकांकडे जर पैसे नसतील तर त्यांनी हॉस्पिटलने कितपत योग्य आहे त्या मुलाला थांबवून ठेवणं। प्रशासनाने एवढी वेगवेगळी योजना आणल्यात पण त्या योजनांचं होतंय काय? मी टायगर ग्रुपच्या माध्यमातून सर्व वाडिया हॉस्पिटल सेमी गवर्नमेंट हॉस्पिटल असताना सुद्धा जर अशी वागणूक लोकांना देत असेल आणि या त्यासोबत अनेक हॉस्पिटलला मी आवाहन करतो की जर ह्या प्रकारचा जर लोकांना त्रास होत असेल तर टायगर ग्रुप आम्ही खंबीरपणे उभे राहू त्यांच्या पाठी आणि हा विषय हाताळू। हॉस्पिटलचाच विषय नाही तर अनेक इतर क्षेत्रामध्ये जर कोणावर अत्याचार होत असेल तर टायगर ग्रुप तिथे ऍग्रेसिव्हली काम करेल, याची लोकांनी दक्षता घ्यावी। सर, जिस तरीके से डॉक्टर होते हैं वो लोगों की जान बचाने के लिए, उनको माना जाता है एक भगवान का रूप माना जाता है,
और अगर ऐसे आत्महत्या की तरफ उनका आकर्षण बढ़ाते रहेंगे तो किस तरीके? उसी विषय पे मुझे बात करना होता था कि डॉक्टर त्याच विषयावरती मला बोलायचं होतं की डॉक्टर हे लोकांचे जीव वाचवण्यासाठी आहे ना की लोकांचे जीव घेण्यासाठी. त्या लेटरमध्ये जेव्हा त्यांनी मला लेटर दिलं त्यांच्यामध्ये मेन्शन केलेलं आहे की जर माझ्या मुलाला जर सोडलं जात नाही तर आमच्या दाम्पत्याला मुंबई सारख्या शहरामध्ये कुठेच थारा नाही, आम्ही दोघं रोजंदारीवर काम करून आमचं पोटापाण्याचं बघतोय आणि अशा वेळेस जर आम्हाला जर कोणी मदत केली नाही तर आम्हाला आत्महत्या केल्याशिवाय पर्याय नाही. तर मला प्रश्न आहे की डॉक्टर हे जीव वाचवण्यासाठी आहेत की लोकांचे जीव घेण्यासाठी आहेत? मला मी सरकारला विनंती करतो की अशा लोकांसाठी काहीतरी अशा योजना आणा की जेणेकरून त्यांना राहत भेटेल, त्यांचे विषय सोडवले जातील. Thanks for watching Indian Eyes 24 News. Please do subscribe our channel. Press the bell icon for future notifications. Click on the like button. Must do share the link. Thank you.